हेलो बच्चों, जेई पी वाई क्यू क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम लोग। इसमें बोला गया है कि 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 वॉज डिजॉल्व इन एक्स ग्राम ऑफ पानी। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट पता चल गया। द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं फॉर्मूला यूज्ड। तो अपना जो फॉर्मूला यहाँ यूज होगा वो है डेल्टा TF वाला। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। आई यूज होगा कि नहीं वो आगे के क्वेश्चन से पता चलता है। जैसे कि डेल्टा TF दिया हुआ है 3.82, यहाँ पे लिख लेते हैं। इफ Na2SO4 इज इतना परसेंट आयनाइज्ड। अब परसेंट दिया हुआ है मतलब अल्फा दिया हुआ है ना, डिवाइड बाय 100 करेंगे अल्फा आ जाएगा परसेंटेज अल्फा, क्योंकि फ्रैक्शन होता है 0 से 1 के बीच में। वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? तो सॉल्वेंट का पूछा है मतलब मोलैलिटी से रिलेटेड होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट तो मोलैलिटी से रिलेटेड है। आई यहाँ पे यूज होना पड़ेगा। तो आई इंटू के एफ जरूर दिया हुआ होगा डेटा में, दिया हुआ है 1.86। ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि हम लोग याद करके आए एम। तो पहले एम निकाल लेते हैं, फिर ये वाला कैलकुलेशन करेंगे और एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला ये वाला पार्ट का कैलकुलेशन हो गया डेल्टा TF का, जिससे हम लोग को एम आएगा। तो एम क्या आ रहा है, 3.82 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू आई, है ना। अब आई निकालने के लिए अपने को अपना यूज करना पड़ेगा आयोनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। Na2SO4 हम लोग बात किए हैं हमेशा ये मेटल्स बनाएगा। मेटल अगर दिख रहा है तो मेटल को अलग कर दीजिए, सॉरी Na प्लस होता है तो दो बार बनेगा। SO4 टू माइनस, कितने पार्टिकल्स बने? 3 पार्टिकल्स। 1 से शुरू किए तो शुरू में 0 0 थे, तो टोटल इनिशियल पार्टिकल्स कितने हो गए? 1 Na2SO4 सिर्फ। फिर इसमें से कुछ जाता है, ये दो बार बनेगा क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, ये 1 मोल्स बनेगा। टोटल पार्टिकल क्या हो गया आफ्टर 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा? तो 1 प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा, तो 1 प्लस 2 अल्फा। तो आई क्या हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स आफ्टर बाय बिफोर, बिफोर तो 1 ही था, डिवाइड बाय 1 आएगा। तो आई इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 81.5 दिया हुआ था, तो अपन 0.815 ले सकते हैं। 5 2 10, 8 2 16, ऐसा कुछ आ रहा है। तो 3 पार्टिकल तो नहीं बना है, बनना चाहिए था 3 पार्टिकल, बना कितना है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 1.63 है ना, मल्टीप्लाई होके तो 2.63 आ रहा है। तो 3 पार्टिकल से थोड़ा कम, क्योंकि 100% नहीं है, 80% ही ये टूटता है। 100% टूटता तो 3 पार्टिकल बनता, अभी 2.6 आना है। इसका एक और शॉर्टकट सबको पता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। डिसोसिएशन कभी भी दिया हो तो हमारा शॉर्टकट क्या है आई का, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एसोसिएशन में क्या होता था, ये टर्म सेम होता था, एन अल्फा की जगह अल्फा बाई एन हो जाता था, क्लियर। अब एन क्या होता है डिसोसिएशन में, जितना पार्टिकल्स बना, टोटल कितना बनता है, 3 पार्टिकल्स। यहाँ पे तो 3 बन रहा है तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ से भी देखिए वही आता है 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा क्वेश्चन में दिया होता है, वहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई भी निकल गया। तो एम का वैल्यू आया 3.82 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू आई, एंड आई इज इक्वल टू 2.63। अब इस क्वेश्चन में देखिए भैया फॉर्मूला, क्वेश्चन जो है ना बड़ा अपने से जाता है कि मैथ्स पूरा एकदम कैलकुलेशन एक्यूरेट एक्यूरेट ना करे, इसलिए लिखा हुआ है अप्रॉक्स। दूसरा ऑप्शन पे नज़र डालना है, दूर दूर है थोड़ा, है ना, पास पास नहीं है कि 45 के बगल वाला 43 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, 47 भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा अप्रॉक्सीमेट करना। तो 186 को डबल करेंगे तो 372 होता है, 18 × 2 = 36, 6 × 2 = 12, 372। तो ये आएगा 2.100 बचेगा, है ना। तो 1.8 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 5 टेंथ, तो 2.0 हजार बाय 186 05 आ रहा है ना। तो ये अपने अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं 205/263, ज़रूरत पड़ा तो 200 ही कर देंगे। यहाँ तक अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अपना ज़्यादा ऑब्वियस पार्ट है, अगर किसी का मोलैलिटी पता है, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कौन है Na2SO4 डिवाइडेड बाई kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, पानी, जिसका x kg दिया हुआ है। Na2SO4 का मोल्स निकाल लेते हैं, उसके लिए मोलर मास चाहिए होगा, सोडियम का 23 होता है, सब कुछ दिया होता है एग्जाम में,
सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64। ठीक है, तो 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 46 इज इक्वल टू 142 ग्राम। गिवन मास कितना है Na2SO4 का, 5 ग्राम। फर्स्ट लाइन में लिखा था 5 ग्राम ऑफ Na2SO4 वाज डिसॉल्वड इन x ग्राम ऑफ वाटर, तो मोल्स कितने आ गए, 5/142, है ना। पानी x ग्राम दिया हुआ है तो kg में x बाई 1000, इसको पुट कर लेते हैं, 5/142 into x by 1000, 1000 ऊपर चल गया, इज इक्वल टू 205/263। x निकालने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से, जितना एक्यूरेट आ पाए, ऑल दो ऑप्शन उतने क्लोज क्लोज नहीं हैं, तो अपना काम बन जाना चाहिए। 205, इसको अगर 200 मान ले तो मज़ा ही आ जाए, ये कट जाएगा। इसको 150 मान लेते हैं, इसको 150 मान लिए तो 30 बार में गया, है ना, 3 × 10, और यहाँ 270 होता तो 39 जा, वैसे तो एक्यूरेटली भी जा रहा है बट 9 ले लेते, 3 × 9 = 27, है ना, तो ये 90 आ गया, तो ये 9 आया, मस्त। 9 × 1000/205, 200 से 1000 कितने बार में जाता है, 5 बार में आया, 45 अप्रॉक्स। ठीक है, और 45 हमारे ऑप्शन में था और यही आंसर है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में समझ में आ गया क्या अप्रोच लेना है, अगर पूरा करने पे आए तो बड़ा दिक्कत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।